खेसारी लाल यादव को लगातार पैसे मिल रहे हैं बिग बॉस में, क्योंकि खूब कर रहे हैं मनोरंजन। वैसे भी खेसारी लाल यादव को दूसरा चेक मिल गया है। खेसारी लाल यादव इतने पैसे जीत चुके हैं आपको अंदाजा नहीं होगा। एक सप्ताह का 2 लाख होता है और ये दूसरा सप्ताह है। खेसारी लाल यादव हर सप्ताह यूं ही बने रहे, इसको लेकर तमाम फैंस भी लगे हुए हैं और सभी दुआएं कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव बिग बॉस में पहले तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो जमकर गेम को एंजॉय कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी भाषा में ही बोल रहे हैं वहां पर, क्योंकि भोजपुरी मातृभाषा है और भोजपुरिया समाज का कोई भी इंसान अपनी मातृभाषा से मुंह नहीं मोड़ सकता। हालांकि बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उसमें से सिद्धार्थ तो सबसे ज्यादा चाह रहे थे कि खेसारी लाल यादव हिंदी ही बोले, लेकिन खेसारी लाल यादव अपनी बातों पर अडिग रहे और उन्होंने भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और हम इससे कभी भी शर्मा नहीं सकते हैं, चाहे रहो चीन जापान पर बोलेंगे हम भोजपुरी में ही, ऐसा उन्होंने कहा। खेसारी लाल यादव हमेशा अपनी भाषा पर बने रहते हैं और भोजपुरिया को ऊंचे स्तर पर ले जाने की बात करते हैं और ये झलक बिग बॉस में देखने को मिली है। तो हम बात कर रहे थे कि खेसारी लाल यादव किस तरीके से अपने गुणों की वजह से खूब सारे पैसे बटोर रहे हैं। बिग बॉस में भी खेसारी लाल यादव को मिल चुका है चेक। बिग बॉस में जिस तरीके से लगातार उन्हें पैसों की बरसात हो रही है, ये उनके गुणों के कारण हो रही है। सलमान खान ने उन्हें दूसरा चेक दे दिया है। हर बार जैसे जैसे सप्ताह बदलता जा रहा है वैसे वैसे लगातार उनको चेक मिलते जा रहे हैं। तो आप सभी चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव यूं ही बने रहें और उन्हें ढेर सारे पैसे मिले, उन पर हो पैसों की बरसात, तो कीजिए ढेर सारे वोट खेसारी लाल यादव के लिए। दिल खोल कर दीजिए सुझाव और ढेर सारे कमेंट्स। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।